दिन की शुरुआत वाघ बकरी चाय के साथ। बस कट ही नहीं रही है, काटो, घोलो और पी लो। Cheers to your birthday! Happy birthday! Thank you, love. हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ मृदुला महाजन और आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज आए हुए हैं पिस्मो बीच एरिया में और अभी जा रहे हैं मोनार्क बटरफ्लाई देखने। तो ये एरिया में लेट अक्टूबर से अर्ली फरवरी तक बहुत सारी बटरफ्लाई माइग्रेट होती है और अभी जो है वो पिक सीजन है। और ऐसा पढ़ने में आ रहा है, मतलब न्यूज़ में देखा है कि 25,000 से 30,000 तक बटरफ्लाई हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं मस्त सी प्यारी प्यारी तितलियाँ। सो दिस इज पिस्मो स्टेट बीच बटरफ्लाई ग्रुप और हमें दिख रही है यहाँ पे कुछ कुछ बटरफ्लाई तो दिख रही है। आई होप कि आपको भी दिख रही हो। लुक हियर यार, तो बटरफ्लाई बन गए यार। तो इस तरह की बटरफ्लाई है यहाँ पर, सारी बटरफ्लाई एक जैसी है। ये देखिए और ये देखिए कितनी सारी बटरफ्लाई बैठी है यहाँ पर। वाह लुक लवली। इतनी सुंदर लग रही है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी इतनी सारी तितलियाँ एक साथ। वाह लवली। बंच ऑफ बटरफ्लाई और टेलीस्कोप में इतना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर है। और ये देखो देख रहे हैं, बहुत रियली बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है बटरफ्लाई। And look the cluster of butterfly. तो इंडिया के अकॉर्डिंग अंशु का बर्थडे लग चुका है। तो अभी मेरे पास किसी के अलावा कुछ नहीं है देने को। अब यार पापा का बर्थडे लग गया, पता है आपने विश करा। और अब यार इतना एक्साइटेड है ना, बस बटरफ्लाई बटरफ्लाई देखना है, बटरफ्लाई देखना है। तो अब यहाँ पर ना जो मैंने आपको बताया था बंचेस, यहाँ पर हर ट्री पे बहुत सारे बंचेस है बटरफ्लाई के और बहुत ही अमेजिंग व्यू दिख रहा है। पर आई डोंट नो कैमरे में कितना अच्छा दिख रहा है या नहीं। तो बस ये बटरफ्लाई हमने बटरफ्लाई ग्रुप देख लिया है। इसके बाद हम जाएंगे मे बी ओशियन व्यूज पे और बताते हैं फिर वहाँ क्या करते हैं। And this is the count of butterflies. So 1990 में थी ये 2,30,000 and the current count is 24,000 और सबसे कम काउंट है 2020 में। उनको भी पता होगा कि कोविड आ गया है तो उन्होंने भी ट्रैवल बैन कर दिया। And here we reached at Ocean Dunes और हम पहली बार बीच पर ड्राइव करेंगे कार। So it will be fun. So देखते हैं, एक्साइटेड हो तुम बीच पर ड्राइव करने के लिए? Yes, मजा आने वाली है ना। देखते कैसा लगता है। और अभी हाई टाइड आ रही है तो उन्होंने बोला है कि एकदम वहाँ पर एकदम कॉर्नर पर ड्राइव नहीं करना है और यहाँ पे कहीं भी कार को पार्क कर सकते हैं। Let's see. And we'll do that TV now. Yes. After that, we will rent the ATV. ATV, yay! Wow. इसको डाउन करना. It's called ATV. Look at her surfing. पता है यहाँ की जो ये सैंड है ना, बहुत ही ऐसी मखमल जैसी, एकदम जैसे डेजर्ट एरिया में नहीं होती है वैसी सैंड है. लवली व्यू. और यहाँ पे अंशुल अपनी फोटोग्राफी करवाते हुए रुक जा एक मिनट. तो हम लोग अब जा रहे हैं पिस्मो बीच. वैसे तो हम कल रात को भी गए थे, पर हम सुवेनियर लाना भूल गए, तो बस वही लेने जा रहे हैं. और हम लोगों ने ना एटीवी रेंट नहीं करी, क्योंकि जो 4 सीटर थी जिसमें अभियान बैठ सकता था, उसका रेंट था ऑलमोस्ट $400, तो कॉस्टली लग रहा था. और जो सिंगल सीटर थी उस पर अभियान बैठ नहीं सकता था. पर एनीवे वहाँ पे बहुत मजा आया कार ड्राइव करने में. अब चलते हैं हम पिस्मो बीच. ने लिया है ये वाला सुवेनियर, इतना क्यूट लग रहा है ना. एंड हियर आर सम ऑफ द ग्लिम्स फ्रॉम द लास्ट नाइट. सो वी आर हियर एट पिस्मो बीच. हम लोग कुछ ऐसे ही खाने आए थे, शाम हो गई थी तो. और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये. एंड ये सारे होटल्स हैं और वहाँ पर सारी शॉप्स हैं, ईटरीज है. और ये है बीच. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डायनासोर केव पार्क. अवेन आप क्या कर रहे हो? क्या फीड करवा रहे हो? ओह, तो अभी हम लोग आए हुए हैं डायनासोर केव पार्क. गुड जॉब अभियान. इट्स ओके. ट्राई वन मोर टाइम. लंच टाइम और हमने वही खाया है, पराठे और पनीर की सब्जी रेडी टू ईट वाली. और अव्यान उधर कर रहा है मस्त. क्या कर रहा है? ये रहा अव्यान. तो हम आ गए हैं अविला वैली फार्म. यहाँ पर फार्म एनिमल्स हैं, उनको हम फिट करवा सकते हैं. तो बस अब, और यहाँ पे बहुत सारे पम्पकिन्स हैं और एक शॉप भी है, मैं आपको शॉप बताती हूँ. और बस अभी हम जो एनिमल्स हैं उनका फूड परचेस करते हैं, फिर उनको फिट करवाते हैं. फ्रेश हनी, फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी तो बड़ी मस्त लग रही ना. यहाँ पे ये बड़े मस्त मिल रहे हैं, ब्राज़ील नट्स, पिकेंस. और ये क्या है? फिलबर्ट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स. चलो नेक्स्ट. अव्यान सबको प्रसाद दे रहा है ना. अव्यान इधर इसको. शी इज ऑल्सो लुकिंग एट यू कि अव्यान कब मुझे खाना खिलाएगा. चलो लेट्स गो नेक्स्ट. थोड़ा जल्दी जल्दी अब यहाँ। चलो वो आया बेबी, आया आज बर्थडे बॉय पुण्य का काम कर रहे हैं, बकरियों को खाना खिला रहे। तुमने गाय को खाना खिलाया आज? वीडियो लिया था ना तूने गाय के साथ? नहीं। अरे यार सनफ्लावर फील्ड भी है, पर इतने ज्यादा सनफ्लावर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उसका सीजन जा चुका है, वो फॉल में होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कितने, मुझे तो ऐसा लग रहा है दिख रहे हैं जो सूखे सूखे। पहुँच चुके हैं आप सनफ्लावर फील्ड में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सनफ्लावर सारे सूख चुके हैं। लुक, सारे सनफ्लावर सूख चुके हैं, पर अगर ये पूरे ब्लूम होते तो कितने ज़्यादा अच्छे लगते। आई थिंक वहाँ पर शायद कुछ सनफ्लावर्स हैं जो अभी भी नहीं शेड हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बट दे आर वेरी स्मॉल। और ये है मैरून कलर के सनफ्लावर्स, ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह। और यहाँ पे अभी पंपकिन पैच अभी तक है। लुक। और यहाँ पे पोनी राइड भी होती है और हेयर राइड भी होती है, पर दोनों राइड्स अभी बंद है। इट्स अ गुड पंपकिन पैच फार्म। और आई थिंक ये पूरे ईयर खुला ही रहता होगा, नहीं तो कुछ फार्म्स ऐसे तो जैसे फॉल में ओपन होते हैं और समर्स में ओपन होते हैं, बट आई थिंक ये पूरे ईयर ओपन रहता होगा। और यहाँ पे मिल रहे हैं कॉर्न्स, जो भुट्टे होते हैं ना, सिके हुए भुट्टे, रोस्टेड कॉर्न्स विद द मसाला। सो फाइनली वी आर एट होम। एक्चुअली हम ना कल रात को ही घर आ गए थे, पर कल मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि घर आके देखा बहुत सारा काम था। इतने सारे कपड़े हो गए थे वॉश करने के, फिर सारा कुछ जमाने का था। और काम दिखता है ना, तो फिर उसके आगे कुछ नहीं दिखता मुझे। सिर्फ ऐसा लगता है कि पहले काम ख़त्म कर लो, फिर दूसरा सारा काम करो। तो बस हमारा टूर बहुत अच्छा रहा। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।